डायबिटीज में ब्लड शुगर को 24 से 48 घंटे में कैसे कंट्रोल करें? आज हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं इस मुद्दे पे। सोचने में बड़ा, सुनने में बड़ा अजीब लगता है भी, 24 से 48 घंटे में क्या हम अपने डायबिटीज को, शुगर को नॉर्मल कर सकते हैं बगैर मेडिसिन के? तो चलिए मेरे साथ हम देखते हैं कि ये बगैर बात सच है कि नहीं। बाय बाय डायबिटीज डायबिटिक पेशेंट के लिए फूड प्रोडक्ट बनाते हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड काफी कम होता है। बाय बाय डायबिटीज शुगर फ्री आटा जिसका ग्लाइसेमिक लोड 10 है और डायबिटीज पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। बाय बाय डायबिटीज स्वीटनर जिसे चाय के साथ साथ मिठाइयों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बाय बाय डायबिटीज हर्बल टी जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है। आप बाय बाय डायबिटीज के प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट byebyediabetes.in पर प्रोडक्ट सेक्शन में जाकर ऑर्डर कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं डॉक्टर इंद्रदीप सिंह बाय बाय डायबिटीज चैनल की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी 24 से 48 घंटे में डायबिटीज हमारी कंट्रोल हो सकती है कि नहीं। अगर हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें भी क्या है ये, तो तकरीबन 100% पे अगर हम पीपल लगाते हैं जो डायबिटिक हैं उनमें से तकरीबन अगर हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें भी क्या है ये तो तकरीबन 100% पे अगर हम पीपल लगाते हैं जो डायबिटिक हैं उनमें से तकरीबन अगर हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें भी क्या है ये तो तकरीबन 100% पे अगर हम पीपल लगाते हैं जो डायबिटिक हैं उनमें से तकरीबन अगर हम कंसेप्ट को समझें हमारी शुगर बढ़ती कैसे है। जब हम कुछ खाते हैं, जैसे हमने कोई फ्रूट खाया, हमने कोई रोटी खाई, हमने दाल खाई, सब्जी खाई, तो वो तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है। फर्स्ट प्रोटीन, फैट और लास्ट में कार्बोहाइड्रेट। तीन हिस्सों में फूड को डिवाइड हो जाता है। कुछ भी हम खाते हैं जो बॉडी में जाता है स्टमक में जाने के बाद वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। अब जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, फैट फैटी एसिड्स में, और जो कार्बोहाइड्रेट्स रह जाता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतनी हमारी बॉडी में शुगर बढ़ेगी, जितना हम कम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे उतनी हमारी बॉडी में शुगर कम बढ़ेगी। तो सिंपल, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम कर दें तो हमारी बॉडी में जो शुगर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, वो नॉर्मल ही बढ़ेगी और जिसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ओवर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं, बाहर से हमने अनहाइजीनिक चीज़ें, अनहाइजीनिक सेकेंड पॉइंट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें जैसे ब्रेड खा लिया, वीट खा ली, मैदा खा लिया, ग्रेन्स की क्वांटिटी को ज़्यादा ले लिया, ओवर ईटिंग कर ली, फास्ट फूड खा लिया, बर्गर खा ले, मैकी खा ली, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जो है कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करती हैं और हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे मैंने बताया भी, जो शुगर का पेशेंट होता है उसकी कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं, हर पेशेंट की पर्सन की कार्बोहाइड्रेट्स तो शुगर में बदलती हैं, लेकिन जो शुगर का पेशेंट होता है उसको बॉडी में इंसुलिन ना बनने के कारण या इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण बॉडी में शुगर एकदम बढ़ जाती है। बात आ गई भी तो कार्बोहाइड्रेट लेने से हमारी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, तो कौन सी डाइट लो कार्बोहाइड्रेट्स वाली होती है, कौन सी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स लो होता है? हम ये तो कर नहीं सकते सिर्फ प्रोटीन और फैट लेते रहें, वो भी डाइट लो कई लेते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तकरीबन अगर आप कुछ भी खाएंगे तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में आएगा ही आएगा। अगर आप चावल ले रहे हैं, अगर आप वीट ले रहे हैं, अगर आप एप्पल ले रहे हैं, अगर आप जूस पी रहे हैं, अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज देयर इन ईच एंड एवरी फूड। तो हमको कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी को कम करना है। वो कैसे पता लगेगा? हमको उन खानों को खाना है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। जो खानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो हमारी डाइट में इस्तेमाल की जा सकती हैं और उनको लो कार्ब डाइट कहा जाता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की डाइट। खाने को चार हिस्सों में डिवाइड किया, तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लो ग्लाइसेमिक, मीडियम और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो खानों का एवरेज इंडेक्स 55 या 55 से नीचे होता है उसको हम कहते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से लेकर 70 के बीच में होता है उसको मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड कहा जाता है, और जो 70 से ऊपर 70 के ऊपर जो फूड होते हैं उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहा जाता है। ये हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे दिया जा सकता है, ये आप वेबसाइट से जाके
गूगल से आप सर्च कर सकते हैं किसी भी फ्रूट का, आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स वहाँ से चेक कर सकते हैं, उसके कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। अब आपको इस पॉइंट पे क्लियर हो गया भी आपने वो लंच खाना खाना है या वो चीज़ आपने खानी है इन योर मील दैट इज लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब कौन से खाने का क्या क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी आप आपको बताते हैं। अगर आप फ्रूट्स में आएंगे तो वाटरमेलन एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, मैंगो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड है, मैंगो पाइनएप्पल मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड है, और उसके बाद आपका कीवी एप्पल, ये तकरीबन पपाया गुआवा, ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हैं। उसके अलावा आपको हमने लिस्ट अवेलेबल करा दी है आपकी साइट पे, आप हमारे वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं या स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा भी कौन से फूड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हैं। अब इससे हम अगर हम डाइट को अगर हम जैसे हमने आपको कहा भी 24 से 48 घंटे में आप अपनी शुगर को नॉर्मल कर सकते हैं, अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खाते हैं तो आपकी जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहेगी, बढ़ेगी नहीं। जैसे मैंने बताया भी शुगर से ही हमारी बॉडी में जो है वो जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उससे ही हमारी बॉडी में शुगर बढ़ती है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट की इंटेक हम कम कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हम कम लेंगे तो हमारी बॉडी में शुगर नहीं बढ़ेगी, खाने से ही हमारी बॉडी में जो है वो शुगर बढ़ती है। और एक और चीज़ है जिससे हमारी बॉडी में शुगर बढ़ती है, ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है या जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, जो हमारे लीवर में और हमारे मसल्स में स्टोर हो जाता है। लेकिन जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की शुगर की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करता है, लीवर हमारी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, हमारे सेल्स को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो एक तो हमारी बॉडी जो है ग्लूकोज लेती है हमारे कार्बोहाइड्रेट से जो हम खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सेकंड प्रोसेस है ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन जो हमारे लीवर में अवेलेबल होता है ये कैसे स्टोर होता है, जो हम खाते हैं उसका कुछ हिस्सा हमारा लीवर अपने पास फॉर एनर्जी टू गिव टू द बॉडी वो स्टोर कर लेता है। जैसे हम 6 घंटे 8 घंटे नहीं खाते फिर भी हम एनर्जेटिक रहते हैं, हमारे अंदर तंदुरुस्ती पूरी रहती है, वो क्यों रहती है, वो इसी के कारण क्योंकि हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है वो हमारी बॉडी में हमको ताकत देने का काम करती है, हमको एनर्जी देने का काम करती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में भी एक लिमिट है भी ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होने का, अगर 24 घंटे तक हम ग्लाइकोजन जो हमारे लीवर में है वो स्टोर हुई है, हम अगर उसको नहीं खाते, हम फास्टिंग रहते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते, तो हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोजन की स्टोरेज की कैपेसिटी है या क्वांटिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हमने 24 से 48 घंटे में अपने आप को ठीक करना है तो हमने दोनों तरफ देखना है भी हम अपने ग्लाइकोजन स्टोर भी हमारी बॉडी में शुगर को बढ़ाएगा, दूसरा हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास हैं जो हम खा रहे हैं उससे भी हमारी शुगर है वो बढ़ने वाली है। तो दोनों को कंट्रोल करने का तरीका क्या है भी आप हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना है उसको कम रखें। अब हमने ये समझ लिया भी हम क्या खाना खाएंगे, वो खाना खाएंगे जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड कम है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड हमने काउंट कर लिए लेकिन वो हमारी बॉडी में जाके कितनी शुगर को बढ़ाएंगे उसका कैलकुलेशन नहीं हम कर पाए। हमारी बॉडी का ग्लाइसेमिक लोड मतलब हम शुगर कितनी अपनी बॉडी में टॉलरेट कर सकते हैं वो 100 तक हम अगर आप परसेंटेज लगाते हैं एक नॉर्मल पर्सन में, तो 100 का वो ग्लाइसेमिक परसेंटेज हम कोई लगाते हैं तो 100 तक वो लोड ग्लाइसेमिक लोड अपनी बॉडी में ले सकता है एक नॉर्मल पर्सन। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया भी जो डायबिटिक के पेशेंट है जो मेडिसिन पे ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो कुछ बॉडी उनकी इंसुलिन बना रही है या कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण उनकी बॉडी जो है वो ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर पा रही, तो इसके कारण हमको मेडिसिन लेनी पड़ रही है। तो अगर ऐसे पेशेंट्स जो ग्लाइसेमिक जिनका हमारे पास ग्लाइसेमिक लोड हम 100 का अगर एवरेज लगाते हैं अगर वो अपनी पूरी क्वांटिटी तक खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी, लेकिन अगर हम अपनी क्वांटिटी को कम कर दें कार्बोहाइड्रेट्स की, उसकी जगह पे प्रोटीन ज़्यादा ले लें, फैट ज़्यादा ले लें, या ऐसा खाना खाएं जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम है, तो हम अपनी शुगर को 24 से 48 घंटे में भी नॉर्मल कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे एक पर्सन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, किसी पर्सन का जो बिल्कुल फिट है उसको कोई दिक्कत नहीं, आप डायबिटिक हो आपको पता भी आप कार्बोहाइड्रेट्स अगर लोगे तो कार्बोहाइड्रेट लेने से शुगर बढ़ेगी, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी को कम करना है। कितना कम करना है, 1/4 पे लेके आना है नॉर्मल पर्सन की। अगर कोई पर्सन 100 ग्लाइसेमिक लोड की चीज़ खा रहा है तो आपका ग्लाइसेमिक लोड 25 होना चाहिए, और अगर हम इसको अगर 10% या 15% की एवरेज दें तो हम 30
मैक्सिमम 35 तक हम अपना ग्लाइसेमिक लोड अपना लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर उससे हम ज़्यादा लेके जाएंगे तो हमारे को शुगर के टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको हर एक खाने का ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा भी क्या चीज़ हम खा रहे हैं और कितना लोड हमारी बॉडी पे जा रहा है, क्योंकि हम पूरी की पूरी क्वांटिटी तो खा नहीं रहे। जैसे हमने एप्पल का ग्लाइसेमिक लोड लिया वो 38 है, वो हमारी बॉडी में अंदर जाके कितना वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, कितना वो बॉडी में जाने के बाद शुगर को बढ़ाएगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको ग्लाइसेमिक लोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्लाइसिक लोड का फॉर्मूला क्या है? ग्लाइसिक लोड इज इक्वल टू ग्लाइसिमिक इंडेक्स, जो किसी फूड का ग्लाइसिमिक इंडेक्स है, जैसे फ्रूट का कोई हम लगा लेते हैं, एप्पल का लगा लेते हैं, ग्लाइसिमिक उसका 38 है, इंटू नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हम लगाते हैं एप्पल में 17 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो हमारा फॉर्मूला होएगा ग्लाइसिमिक इंडेक्स इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट्स मल्टीप्लाई बाय ग्लाइसिमिक इंडेक्स। तो हम कराएंगे उसको, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट 17 थे और जो हमारा एप्पल का जो ग्लाइसिमिक इंडेक्स है वो 38 है, 38 या 36, 38 हम लगा के चलते हैं यहाँ पे, 38 ग्लाइसिमिक इंडेक्स है। तो इसको कैलकुलेट डिवाइडेड बाय 100, तो हमने जो कैलकुलेट किया इसमें निकल के आ रहा है तकरीबन 5। तो 5 हमारा ग्लाइसिमिक लोड है। अगर हम 100 ग्राम एप्पल खा रहे हैं तो 100 ग्राम एप्पल खाने के बाद हमारा ग्लाइसिमिक लोड जो है 5 है। तो अगर एप्पल खाने के बाद हमारा ग्लाइसिमिक लोड 5 है तो हमने दिन में 30 ग्लाइसिमिक लोड तक अपना खाना खाना है, इससे ज़्यादा हमको खाना नहीं खाना। अगर इससे ज़्यादा हम ग्लाइसिमिक लोड का खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी में जो है शुगर एकदम बढ़ेगी। और हमको ये भी ट्राई करनी है भी एक ही बारी में हम 30 ग्लाइसिमिक लोड नहीं खाएंगे, उसको 3 या 4 इंटरवल, वैसे 3 इंटरवल बेस्ट होते हैं, 3 इंटरवल या 2 इंटरवल, 2 इंटरवल में आप खा सकते हो या 3 इंटरवल में आप खा सकते हो, जो भी आप खा रहे हो। ये नहीं अभी अभी कुछ खाया, थोड़ी देर बाद फिर कुछ खा लिया, फिर उसके बाद 15-20 मिनट फिर कुछ खा लिया, वो नहीं करना। ट्राई कीजिए 3 to 4 meals इन अ डे, 3 से 4 बारी ही दिन में खाएं, उससे ज़्यादा नहीं खाना। उसकी भी एक रीज़न होता है, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे भी ज़्यादा खाने से या बार बार खाने से क्या प्रॉब्लम आती है डायबिटिक पेशेंट को। फॉर द टाइम बिंग हम आपको ये बता रहे हैं भी हमने अपना ग्लाइसिमिक लोड जो है वो 30 या 35 के ऊपर नहीं जाने देना। और 100 ग्राम अगर हम एप्पल खाते हैं तो हमारा ग्लाइसिमिक लोड 5 हो गया, अगर हम 50 ग्राम एप्पल खाते हैं तो हमारा ग्लाइसिमिक लोड 2.5 ढाई आ गया। वैसे ही अगर हम बाकी चीज़ों का कैलकुलेट करें, अगर हम कैलकुलेट करते हैं कनक का, वीट का, वीट का जो है ग्लाइसिमिक इंडेक्स, जो कनक जिसको हम आटा बनाते हैं उसका ग्लाइसिमिक लोड है 54 और इसके कार्बोहाइड्रेट्स हैं 76। 100 ग्राम की मैं आपको बात कर रहा हूँ। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइसिमिक से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारा ग्लाइसिमिक लोड आ जाएगा। तो ये तकरीबन हमारा ग्लाइसिमिक लोड 40-42 के करीब आ रहा है नॉर्मल वीट का। कई लोगों के कहीं पे वीट का कुछ ग्लाइसिमिक रेट निकालते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स निकालते हैं, मैंने ये आपको 76 कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से बताया, लेकिन कई 80-85 तक कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। जो राइस आप खाते हो उसका भी तकरीबन ग्लाइसिमिक इंडेक्स काफ़ी हाई है और कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी भी उसकी काफ़ी हाई होती है। तो अगर आपने 100 ग्राम आटे के बने हुए फुलके ले लिए, वीट के बने हुए फुलके ले लिए, तो आप लगा के चलो 100 ग्राम आपके वीट के फुलके बनने के बाद आप लगा के चलो आप 40 ग्लाइसिमिक लोड ले रहे हो। अगर आप 4 चपाती एक ही टाइम पे खाते हो तो आप 40 ग्लाइसिमिक लोड एक टाइम पे ले रहे हो, जो आपकी शुगर को 100% बूस्ट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्री अगर आप उसकी जगह पे बाय बाय डायबिटीज का आटा इस्तेमाल करते हो जिसका सिर्फ ग्लाइसिमिक लोड 10 है पर 100 ग्राम पे, तो आप तकरीबन अपना 1/4 हिस्सा अपना ग्लाइसिमिक लोड का बॉडी से कम कर रहे हो। हमारा जो बाय बाय डायबिटीज का आटा है इसमें पम्पकिन सीड्स हो गया, इसमें एलमंड हो गया, कोकोनट फ्लोर हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें, मिलेट्स कुछ मिक्स हैं, कुछ इसमें वीट भी मिक्स की गई है। हर क्वांटिटी को बना के इसका ग्लाइसिमिक लोड 10 से नीचे लगाया लाया गया है सिर्फ डायबिटीज पेशेंट के लिए और जो हाइपरटेंशन या ओबेसिटी के पेशेंट हैं जो अपना वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो अगर वो बाय बाय डायबिटीज का अगर आटा खाते हैं तो वो ग्लाइसिमिक लोड को अपनी बॉडी में बढ़ाएंगे नहीं। जहाँ पे हम अगर वीट की कनक की रोटी खाने के बाद अपना ग्लाइसिमिक लोड अगर 100 ग्राम खाने के बाद 40 कर रहे हैं, 40 ग्लाइसिमिक लोड पे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप बाय बाय डायबिटीज का आटा खाते हो या बाय बाय डायबिटीज के फुलके खाते हो बने हुए आटे से, तो आपका ग्लाइसिमिक लोड सिर्फ 10 आ रहा है। आप इससे अपने आपको कम कर सकते हो, अपने डायबिटीज को कम कर सकते हो बाय बाय डायबिटीज के आटे से। प्लस जैसे हम आलू लेते हैं, पोटैटो लेते हैं, तो पोटैटो लेने में अगर हम उसका ग्लाइसिमिक लोड कैलकुलेट करते हैं आलू का, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 17 है क्योंकि ज़्यादातर आलू में पानी ज़्यादा होता है, और इसका जो ग्लाइसिमिक लोड है वो तकरीबन
ग्लाइसिमिक इंडेक्स है वो 86 है, तो हम कैलकुलेशन फिर करते हैं कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लाइसिमिक इंडेक्स डिवाइडेड बाई 100, तो इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट 17 है, ग्लाइसिमिक इसका 86 है और डिवाइडेड बाई 100, तो ये बनेगा 14.5, मतलब 15 के करीब आपका नियर अबाउट इसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स बन के आता है, ग्लाइसिमिक लोड बन के आता है सॉरी। तो अगर हम 100 ग्राम पोटैटोस लेते हैं, आलू की सब्जी बना के खाते हैं, तो उससे हमारा ग्लाइसिमिक लोड जो है वो 15 हो जाता है। अगर आप लगा लो आप दिन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही ले रहे हो, आपने 4 फुलके या 5 फुलके दिन में ले लिए और साथ में उसके आलू की सब्जी ले ली, तो 55 तो आपने यही कर दिया। फिर आपने दूध वाली चाय ले ली, फिर आपने और खाने पीने को सामान ले लिया, बिस्कुट ले लिया, बिस्कुट का भी ग्लाइसिमिक लोड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नियर 40-45 के करीब आता है। इवन जो डायबिटिक बिस्कुट होते हैं वो भी अगर आप लगाओगे तो 40-50 के करीब उनका ग्लाइसिमिक लोड बन जाता है। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद ही आपको पता लगेगा भी आप कितना खाना चाहिए, कितना आप खा रहे हो, ओवर ईटिंग आपसे कितनी हो रही है। लेकिन अगर आप अपने ग्लाइसिमिक लोड को 30 या 35 के नीचे रखोगे तो आपकी शुगर 24 से 48 घंटे में नॉर्मल आनी शुरू हो जाएगी, आप अपने आप को कुछ बेहतर महसूस करना शुरू कर दोगे। कुछ ग्लाइकोजन जैसे मैंने आपको बताया लीवर में हमारे पाई जाती है, ज़रूर कुछ वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को बढ़ाएगी या शुगर को बढ़ाएगी, लेकिन कुछ लेवल तक वो बढ़ा सकती है, उसके बाद नहीं बढ़ा पाएगी। कुछ लोगों को 2, कुछ लोगों को 3, कुछ को 4, लेकिन अगर आप अपने ग्लाइसिमिक लोड को कंट्रोल रखोगे तो आप अपने आप अपनी शुगर को, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हो। ग्लाइसिमिक लोड का चार्ट अगर आपको चाहिए तो हमारी buybydiabetes.in, आपको नीचे नंबर भी दिख जाएगा, buybydiabetes.in हमारी वेबसाइट की डिटेल भी मिल जाएगी, तो आप वहां से आप ले सकते हो। और उसके जानकारी के लिए आटे के बारे में, सामान के बारे में और क्या क्या कुकीज़ के बारे में, डायबिटीज़ की, शुगर के बारे में, आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो और हमारे दिए गए नंबर पे जो नीचे आपको दिए गए हैं उन पे आप डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हो, वो आपको गाइड भी करेंगे इसके बारे में। और अगर आप इनको यूज़ करते हो रेगुलर तो आपकी डायबिटीज़ धीरे धीरे नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, और धीरे जैसे आपका ग्लाइसिमिक लोड कम होगा, बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी से कम होगी, तो धीरे धीरे आप अपनी बीमारियों से भी ठीक हो सकते हैं, अपने हाइपरटेंशन से, अपने थायराइड से, अपनी ओबेसिटी से, और एक दिन आएगा तकरीबन 2 से 2.5 महीने में आप रिवर्सल की तरफ पूरे चले जाओगे।